गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. मैं आपकी हर वीडियो के अंदर जो हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी, उसमें से एक वीडियोस में सेपरेट लेकर आती हूँ जिसमें हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स डिस्कस करते हैं. वो इसलिए डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ने के साथ साथ अगर आप की पॉइंट्स में उनको देख लेंगे एक बार तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे. ठीक है, तो आज भी मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ अपनी इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका संबंधवाद का सिद्धांत. संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि कनेक्शनिज्म. कनेक्शनिज्म मैंने आपको अभी जब पहले साइकोलॉजी स्टार्ट करी थी तो बातों बातों में एक वीडियो में चेक करना, मैंने उसमें बताया है कि कनेक्शनिज्म किसने बताया था. ये हमारे थ्रॉनडाइक ने दिया है, ये हमारे थ्रॉनडाइक जी ने दिया है कनेक्शनिज्म. उन्होंने कनेक्शनिज्म क्यों कहा, क्योंकि जो उन्होंने थ्योरी दी थी ना कैट की, कि वो हंगर होती है उसके सामने स्ट्रिमुलस के रूप में हम उसके लिए खाना रख देते हैं और फिर वो इधर उधर पंजे मारती है, एकदम से क्या है ट्रिगर पे पैर दब लग जाता है और उसको खाना मिल जाता है जब उसका जो पिंजरा होता है उसका शटर ओपन हो जाता है. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी ना किसी से अगर हमें कोई काम करना है ना तो एक कनेक्शन बना के चलते हुए हम पहले कोई उसने ट्राई किया, फिर उसके बाद ट्रिगर पे पैर आया, फिर उसे खाना मिला, तो वो क्या था, एक सीक्वेंस में हुआ सारी क्रियाएँ, तो वो जो सारा प्रोसीजर एक सीक्वेंस में हुआ, तो इसीलिए उसको संबंधवाद यानी कि कनेक्शनिज्म का सिद्धांत बोला था. कि थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म किसने दी थी, थ्रॉनडाइक ने. नेक्स्ट आता है साइन चिन्ह का सिद्धांत. साइन चिन्ह का सिद्धांत आपका किसने दिया है, साइन और चिन्ह का सिद्धांत. साइंस क्या होते हैं, साइन होते हैं जैसे जब छोटा बच्चा होता है, ये हमारा टॉलमैन ने दिया है. टॉलमैन ने, इन्होंने क्या कहा था कि जो साइंस होते हैं ना, हम बच्चे को स्टार्टिंग में कैसे समझते हैं, बच्चा जब छोटा होता है उसका भाषा विकास नहीं हुआ होता, उसका बोलने का उसका तरीका क्या होता है कि वो अपनी साइंस से अपनी बातें क्या है एक्सप्रेस करता है. अगर उसको पानी चाहिए या दूध चाहिए या कोई चीज़ चाहिए तो वो इधर उधर हाथ पैर मारता है, दूध चाहिए तो रोने लगता है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन देते हैं ना, इस तरह के साइंस वो एक्सप्रेस करता है अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू. तो इसीलिए ये किसने दिया है, हमारे टॉलमैन ने. उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, व्यवहारवादी का सिद्धांत. देखिए लर्निंग में जो बिहेवियरिज्म दिया गया था कि लर्निंग क्या है या हमारी साइकोलॉजी क्या है बिहेवियर के थ्रू, हम लास्ट मैंने आपको बताया था ना कि बिहेवियर जो हमारी साइकोलॉजी है उसको लास्ट में क्या माना गया था, व्यवहारवाद का सिद्धांत, यानी कि बिहेवियरिज्म रखा गया था कि हम मनोविज्ञान को किसी भी बच्चे को अगर समझना है, किसी व्यक्ति को अगर समझना है तो आप उसके व्यवहार को यानी कि उसके बिहेवियर को पढ़ना समझिए तो आप उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं. अगर मैं अभी आपके सामने कोई बात या अपने पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ तो मैं आपको जिस रूप से समझा रही हूँ या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं या बात करने का तरीका कैसा है, ऐसे ही क्या है, आप किसी के भी बिहेवियर को जज कर सकते हैं. कोई गुस्से में होता है, कोई सैड होता है, कोई हैप्पी होता है, तो आप कैसे पता चलाते हैं, जिस कोई अननोन है आप उसको नहीं जानते, लाइक मैं आप मेट्रो में हैं और आपके सामने इतने सारे लोग खड़े होते हैं, आप फिर भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो सैड है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, तो कैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, उसके बिहेवियर के थ्रू कि वो इस टाइम क्या सोच रहा होगा, टेंस है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किसने दी थी, जे बी वॉटसन जी ने. ठीक है, व्यवहारवादी का सिद्धांत यानी कि बिहेवियरिज्म जो दिया था हमारा लर्निंग और साइकोलॉजी के अंदर, वो हमारा जे बी वॉटसन जी ने दिया था. अब आता है अधिगम यानी कि लर्निंग और व्यवहार यानी कि बिहेवियर हमारा, इसका सिद्धांत किसने दिया था, इसका सिद्धांत दिया था क्लर्क हॉल ने. इन्होंने क्या कहा था कि लर्निंग जब भी हम करेंगे और जब भी जो भी हमारा बिहेवियर होगा ये दोनों आपस में कोरिलेट होंगे. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लर्निंग विदाउट बिहेवियर हो जाए या फिर बिहेवियर जो है हमारा वो विदाउट लर्निंग हो जाए. क्यों, क्योंकि आप कोई भी जो बिहेवियर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, आपके दिमाग में कुछ थॉट्स होती हैं या आपने कुछ लर्निंग की होती है, उसी से तो आपका बिहेवियर चेंज होता है. स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि साइकोलॉजी का या हमारी एजुकेशन का क्या मतलब है, कि जब आपके बिहेवियर में चेंज होने लगे उसका मतलब है लर्निंग, उसका मतलब है एजुकेशन. क्योंकि अगर
मुझे अभी किसी बच्चे को मान लीजिए 2 की टेबल नहीं आती है और मैंने उसे 2 की टेबल लर्न करवाई और उसने मेरे थ्रू लर्न करी, तो जब उसको 2 की टेबल आ गई तो उसके बिहेवियर में क्या फ़र्क आया कि पहले उसको 2 की टेबल नहीं आती थी, बाद में क्या हुआ उसको लर्न करने के बाद उसको आ गई, तो उसके बिहेवियर में क्या था, चेंज आ गया। किन्हीं किन्हीं कुछ बच्चों में क्या होता है, बैड हैबिट्स होती हैं कि अपने नेल बाइटिंग करते हैं और साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, नहाते नहीं हैं। अगर उनको सिखाया जाए गुड हैबिट्स और कि ये लोग ये चीज़ें आपके गुड हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है सारी चीज़ें, और फिर वो वेल मैनर्ड रहने लगे, नेल बाइटिंग ना करें, ये सारी चीज़ें ना करें, तो क्या होगा उनके बिहेवियर में लर्निंग के थ्रू चेंज आ गया। ये बात बोली थी हमारे क्लर्क हॉल ने, क्योंकि इन्होंने अधिगम यानी कि लर्निंग और बिहेवियर को एक साथ रखा था। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, क्रमबद्ध अंतराल विधि। क्रमबद्ध होता है एक सीक्वेंस में, अंतराल होता है एक डिस्टेंस मेंटेन करके। अगर मैं कोई चीज़ सिखा रही हूँ, मीन्स एक सीक्वेंस में कोई चीज़ सिखा रही हूँ, लेकिन दो चीज़ों के सिखाने के बीच में जो मैंने डिस्टेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप, आज मैंने बच्चों को 2 की टेबल सिखाई तो एकदम से ही मैं मल्टीप्लाई के थ्रू उसको बोर्ड मास सिखा दूं या इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दूं, तो वो क्या होगा, बच्चे के लिए मिसमैच हो जाएगा। तो इसीलिए आप वन बाय वन सीक्वेंस पे चलोगे, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ताकि बच्चे को भी अच्छे से लर्निंग हो पाए। ये नहीं कि वो सारी चीज़ों को क्या है मिक्सअप कर दे, आज ही एक दिन में आपने मैथ्स के सारे टॉपिक पढ़ा दिया, आपने प्लस भी पढ़ा दिया, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, उससे क्या होगा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझ सके। तो इसीलिए आप क्या है वन बाय वन सीक्वेंस में चलोगे, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कि बच्चा क्या है उस चीज़ को अच्छे से सीख जाए। तो ये किसने दिया था हमारा, ये दिया था थर्ड सन ने। ये बात बोली थी हमारी थर्ड सन जी ने, क्रमबद्ध अंतराल विधि हमारी थर्ड सन ने दी थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है समदृष्टि अंतर विधि। समदृष्टि होती है एक एक रूप से देखना, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर मेरी दृष्टि है, मतलब मेरा जो देखने की एक दृष्टि है, किसी चीज़ पॉइंट पे सोचने की एक व्यू है, तो वो क्या है, एक समान दृष्टि से होना चाहिए, एक समरूपता से होना चाहिए। ये भी हमारा किसने दिया, सेम थर्ड सन जी ने दिया। उसके बाद आता है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जो इंटेलिजेंस के चैप्टर के अंदर ये वाला आप डिटेल में पढ़ लेंगे। मैं इससे, ये भी एक हमारी अलग से थ्योरी है, तो वो पूरी थ्योरी आप थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए, इसके बारे में देखने के लिए देख लेना जो मेरी वीडियो होगी, तरल एंड ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ये वाला किसने दिया था अभी इसमें बता देती हूँ मैं। ओके, ये तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत हमारा किसने दिया, आरबी केटल ने। ठीक है, आरबी केटल ने हमारा तरल बुद्धि ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये इंटेलिजेंस का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा कि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि क्या होता है। उसके बाद आता है बुद्धि का क और बुद्धि का ख का सिद्धांत, जो ए और बी का था ना, इंटेलिजेंस ऑफ ए इंटेलिजेंस ऑफ बी की जो थ्योरी थी वो किससे थी, बुद्धि क और ख का सिद्धांत, ये आपका दिया है हेब ने। इसके बाद आता है नेक्स्ट बुद्धि इकाई का सिद्धांत, यानी कि यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो थी हमारी, इंटेलिजेंस जो यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस का जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी हमारी, ठीक है, जो यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस की थ्योरी थी वो हमारी दी थी स्टर्न एंड जॉनसन ने। लास्ट आता है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं आपको पता है, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं किसी भी बच्चे की, मतलब ऐसी प्रवृत्तियाँ, ऐसी चीज़ें जो बच्चे के अंदर पहले से ही होती हैं, मतलब उसकी नीड, फर्स्ट नीड जो होती है, जैसे प्राथमिक नीड बोलते हैं ना, प्राइमरी नीड जो होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियाँ, जो हमें कोई कुछ चीज़ सीखनी नहीं पड़ती। जैसे आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी मूल प्रवृत्तियाँ, यानी कि वो एक्चुअल में मतलब आपके अंदर पहले से ही है, आपको सीखनी नहीं पड़ती इमोशंस किसी से। कभी आपने देखा कि मुझे सैड होना सिखा दीजिए, कभी मुझे हैप्पी होना सिखा दीजिए, नहीं होती ना ये चीज़ें, क्यों,
क्योंकि जैसे जैसे हमारा बिहेवियर होता है, जैसा मूड होता है, स्विंग होता है हमारा मूड, वैसे वैसे क्या इमोशंस बाहर आते हैं, फीलिंग्स बाहर आती है, तो वो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती है जो हमें सीखनी नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूडल ने, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम में भी आ चुका है, सीटेट वाले में आप देख सकते हैं। और उसके बाद बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट, हेब ने दिया है। और उसके बाद तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी पूछ लेते हैं, आरबी केटल ने दिया है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अधिगम और व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? क्लर्क हॉल ने दिया है। व्यवहारवादी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे छोड़ देना लेकिन ये स्किप मत करना। बिहेवियरिज्म का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, जे बी वॉटसन, ठीक है। और कनेक्शनिज्म, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक हमारी जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग और ये कनेक्शनिज्म, दोनों स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे डिपेंड है, तो इसीलिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी कनेक्शनिज्म वर्ड आए ना, कनेक्शनिज्म, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं, कुछ ऐसा थ्योरी नहीं, कोई रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी नहीं, सिर्फ कनेक्शनिज्म माइंड में रखना। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कनेक्शनिज्म दिखाई दे तो उसका आंसर सीधा थ्रॉनडाइक होगा। ओके, 10 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में 10 और डिस्कस कर लेंगे, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू।